उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां प्रदेश भर में तकरीबन 5 लाख युवा ऐसे हैं जिन्हें कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन इन युवाओं को रोजगार के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश है कि इन्हें स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद रोजगार दिलाने में भी इनकी मदद की जाए। जो हमारी स्किल्ड ट्रेनिंग है वो डिमांड के हिसाब से देनी चाहिए, सिर्फ खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए सरकारी फंड की कि जो ट्रेनिंग देनी है तो किसी चीज़ में भी दे दो। तो हमने 23 तारीख को हम एक MOU कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के साथ, जिसमें उन्होंने हमको अपनी पूरी एक डिमांड पेश करेंगे, हम उसके हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और फिर वहीं उन्हीं लड़कों को हम वापस होटल इंडस्ट्री के लोगों को उनको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसी में से वो हायर करेंगे। उत्तराखंड में जिस पुल की काफी वक्त से मांग हो रही थी वो रानीबाग पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसे 15 अगस्त को जनता को सौंप दिया जाएगा। ये पुल 7 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसका फायदा कुमाऊं मंडल के लिए जो अलग अलग जिले हैं उनको होगा। हल्द्वानी से कुमाऊं मंडल के पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं और भाबर को जोड़ने वाला रानीबाग पुल तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में अब लोगों को आवाजाही में काफी सहूलियत मिलेगी। इस महीने हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ये 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे। रानीबाग में पुराने पुल का निर्माण साल 1965 में हुआ था, जो काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में यहाँ पर नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नया पुल करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बंद पूरा चुका है, अब थोड़ा ट्रायल हमारे चल रहे हैं उसमें, उसको तो जल्दी से स्टार्ट करें। पुल के शुरू हो जाने से भीमताल, मवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर आने वाले पर्यटकों को फायदा मिलेगा और जाम से भी निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जिसकी खुशी में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बिजनौर में आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमृत पदयात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने घर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, लोग घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। बिजनौर में भी SP और DM सड़कों पर उतरे और पुलिस लाइन में DIG शलभ माथुर समेत कई अधिकारियों ने घर घर तिरंगा लगाया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर एक मार्च भी निकाला और बच्चों को तिरंगा देकर आजादी के जश्न के बारे में समझाया। वहीं DM ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के साथ तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा पदयात्रा में शामिल कर्मचारियों और लोगों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर DM ने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव को मनाने के लिए जन जन की भागीदारी हो रही है, सभी उत्साहित हैं और जन जन में झंडे के प्रति, देश के प्रति, शहीद हमारे जो सपूत हैं उनके प्रति एक भावना पैदा हो। दरअसल PM मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ABP गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बात करते हैं मौसम की। आज भी उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी रहेगी। जानकारी यह है कि आज भी पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है और खबर है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी को लेकर भी कि यहां पर भी भारी बारिश आज के दिन हो सकती है। तो मौसम लगातार बदल रहा है उत्तराखंड में, अलग अलग हिस्सों को लेकर ये बड़ी खबर है कि आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है।
ये आफत की बारिश है, जहां कटान से लेकर नदियों में उफान, सड़कों पर मलबा आने और मार्ग बंद होने जैसी कई समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। उन्हें इन परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में जहां बारिश की संभावना आज भी जताई गई है, उत्तराखंड में ये आफत की बारिश लगातार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। आज भी पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी में भी भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, जहां लगातार टीमें भी अलर्ट पर है। जिन रास्तों पर कटान और साथ ही मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन सतर्क है। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, अपडेट लेते हैं मौसम का। उत्तराखंड में मौसम किस तरीके से है ये जानते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। विनोद, सबसे पहले तो मौसम का हाल बताइएगा, वहां पर इस वक्त कैसा मौसम है और आज भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। विनोद जी, देखिए आज भी मौसम विभाग की ओर से पहाड़ी इलाकों यानी पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चंपावत है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, और इन तमाम जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। और करीब ऐसी 95 सड़कें हैं, 95 ऐसे मार्ग हैं जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं, जहां पर लोगों के सामने दुश्वारियाँ उनको झेलनी पड़ रही है। और आज भी पूरी तरह से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और पूर्व में अगर देखें, कल एक भयंकर तबाही पुरौला में देखने को मिली, उत्तरकाशी में देखने को मिली, जिसमें करीब ATM बह गए, 7 घर बह गए, और जिस तरह से लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो ये सिलसिला आगे भी बरकरार रह सकता है, ऐसी मौसम विभाग की ओर से ऐसी संभावनाएं जताई गई है। और ये भी माना गया है कि प्रशासन को भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है, यानी जहां जहां पर भी भूस्खलन का खतरा है वहां पर टीमें तैनात की गई है, ताकि लोगों के सामने कोई दिक्कतें ना आए। और लेकिन जिस तरह से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, उसके कारण रहने वाले लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, और जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनके सामने भी दुश्वारियाँ बनी हुई है। और आपको बताया कि जिस तरह से अब करीब 5 जनपद ऐसे हैं पहाड़ी इलाकों के, उनमें अभी बारिश का सिलसिला बना रहेगा, और जो मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं बारिश के कारण, उनको उपकरणों के माध्यम से खोलने का प्रयास जारी है। और मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन का खतरा अधिक है, बारिश का सिलसिला जारी है, भूस्खलन हो रहे हैं, और कई ऐसे पूर्व में घटना हो चुकी हैं कि बड़े बड़े बोल्डर वाहनों पर गिर रहे हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। तमाम एहतियात बरतने के भी निर्देश मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। और जो ऊपरी पहाड़ी जनपद हैं, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, तमाम प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विनोद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां यूके SSSC परीक्षा भर्ती धांधली मामले में अब SCF के रडार पर कई अधिकारी भी हैं। मामले में कई सफेदपोश और अधिकारियों की भागीदारी है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जल्द SCF कई लोगों को बेनकाब करेगी इस मामले में, जहां अभी तक इस केस में 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उत्तराखंड सचिवालय से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी आपके सामने। मामले में अब तक देखिए कुल 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। ये बड़ी जानकारी है। UK SSC में परीक्षा भर्ती धांधली का ये पूरा मामला है, और ये कहा जा रहा है कि SCF की रडार पर कई बड़े अधिकारी भी हैं। मामले में कई सफेदपोश भी लपेंगे और अधिकारियों की भागीदारी जो सामने आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनसे भी जल्द पूछताछ संभव है। UK SSC के पेपर लीक मामले में कार्रवाई को लेकर DGP अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान DGP ने कहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है और पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं। DGP ने कहा कि अब तक की जांच में 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं, जबकि कई संदिग्ध अभ्यर्थी भी हैं जिनके बारे में जाँच चल रही है। मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास
अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इससे जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया है, चोरी किया गया और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया और वहाँ से एक एक दो दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में वहाँ पर भी इनको पेपर भी सोल्व कराया गया और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले लेकर के आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले में भले ही एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही हो लेकिन अभी कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक मामले की हाईकोर्ट से सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो। एक तरफ एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है एसटीएफ की तरफ से। और इसी बीच में कांग्रेस ने ये मांग की है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जाँच करवाई जाए। इलेक्शन में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सफेदपोश लोगों के नाम भी आए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि अधीनस्थ चयन आयोग में जो भर्ती में घोटाला हुआ है पहले तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सरकार को हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इन भर्तियों के घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग। और अब बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। करण महारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस दौरे में मुलाकात करेंगे जहां इस दौरान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। संगठन विस्तार में नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। अक्टूबर तक जिले और प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा भी की जा रही है। तो करण महारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत किस तरीके से करना है इसी पर वो चर्चा करेंगे। संगठन विस्तार में नए चेहरे को जगह दी जानी है, इसको लेकर भी चर्चा संभव है। अक्टूबर तक जिले और प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो जाएगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और आज अल्मोड़ा में मौजूदगी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की, वहां पर वो जाने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से करने वाले हैं चर्चा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने रक्षाबंधन पर्व मनाया है और इस दौरान रितु खंडूरी ने प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। रितु खंडूरी ने पूर्व मंत्री और हरिद्वार से सांसद निशंक को रमेश पोखरियाल निशंक को राखी बांधी। रक्षाबंधन की ही तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को महिलाओं ने राखी बांधी, राखी का पर्व। और पहली तस्वीर है विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी की और दूसरी तस्वीर है सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की। उनके आवास पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं और उन्होंने गणेश जोशी को राखी बांधी है, दो तस्वीर। तो एक तरफ रितु खंडूरी ने देहरादून में जो राखी बांधी रमेश पोखरियाल निशंक को, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और वहीं गणेश जोशी को भी महिलाओं ने राखी बांधी। रक्षाबंधन का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया जहां कई क्षेत्रों में कल भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और आज भी मुहूर्त के अनुसार कई लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। देशवासियों को इन्होंने बधाई दी है। उत्तराखंड में भी पूरे धूमधाम से ये पर्व मनाया गया। वहीं हरिद्वार जिला जेल में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। इस दौरान कई महिलाएं अपने भाइयों को देखकर भावुक भी हो उठे। उधर मसूरी में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों को राखी बांधी। वो तस्वीर एक हरिद्वार की है जहां पर भी राखी बांधी गई। जिला कारागार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पहुंची बड़ी संख्या में महिलाएं और जो उनके कैदी भाई हैं उनको राखी बांधते हुए वो नजर आए और इस दौरान भावुक भी हो गए। मसूरी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची और पुलिस के जवानों को उन्होंने राखी बांधी है। रक्षाबंधन का पर्व और ये दो तस्वीर मसूरी और हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं यहां पर किस तरीके से राखी का पर्व मनाया गया। हरिद्वार में महिलाएं भावुक हो गई लंबे अरसे के बाद अपने भाई को सामने देख करके राखी बांधते वक्त, और मसूरी में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान राखी बांधी। ये दो तस्वीरें रक्षाबंधन का पर्व जहां अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है मसूरी और हरिद्वार में, किस तरह से बहनों ने एक तरफ
जेल में जाकर अपने भाइयों को राखी बांधी। कई महिलाएं कई बहनें इस दौरान भावुक भी हो उठी और दूसरी तरफ महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को भी राखी बांधी। और अब बात करते हैं सीएम धामी की। सीएम धामी आज चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वहां पर करेंगे। ये बड़ी जानकारी है, चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और वहां पर कार्यकर्ताओं से स्थानीय नेताओं से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ में खबर ये है कि अधिकारियों से भी जानकारी लेंगे, उनके साथ में समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। तो चंपावत जाएंगे सीएम धामी, कार्यकर्ताओं से यहां मुलाकात होगी जहां इस वक्त कई ऐसी बैठकें हैं भाजपा जिनमें 2024 की रणनीति तैयार कर रही है। और आज चंपावत में जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात सीएम धामी करेंगे तो कुछ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा संभावित है और वहां पर जनता दरबार लगाने की भी खबर है, बग्वाल मेले में भी शिरकत करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।